अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ आई हूँ, लेकिन रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को वेलकम करूँगी। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, ठीक है? और चले वीडियो के स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास है वंडर एसेंस का ये क्लेंज़र। इसकी पैकेजिंग की बात करें, इसकी पैकेजिंग बहुत ही प्यारी है। ये देखें, ये 100 ग्राम का है, ठीक है? ये देखें, और इसके ऊपर भी लिखा हुआ है क्लेंजर, वंडर एसेंस क्लेंजर है ये। कीप स्किन यंग एंड ब्यूटीफुल, कीप स्किन एलिजेंट, ठीक है? और यहाँ पे देखिए इसका कोड, ये इसका मोनोग्राम क्या कोड जो भी कह लें, और इसकी एक्सपायरी डेट भी है, ठीक है? इसका इसके यूजेज और इसके मेथड वगैरह सब इसके ऊपर यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 100 ग्राम का है। चलें इसको अंदर से देखते हैं ये है कैसे। इसकी पैकेजिंग तो बहुत ही प्यारी है, ये देखें। इसकी पैकेजिंग इतनी प्यारी है, सोचें ये खुद कैसे होगा। ये वैसे सील है, ये मैंने अभी इसको ऑर्डर किया है, मैंने सिर्फ एक मर्तबा इसे यूज़ किया। ये वाकई में स्किन को जो है ना ड्राइनेस को ख़त्म करती है, और स्किन वाइटनिंग के लिए स्किन फ्रेश और जो है ना ग्लोई हो जाता है वॉश के बाद। वैसे कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं स्किन के, फेस वॉश, क्लेंज़र वगैरह, जो कि वॉश करने के बाद हमारी स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राई और किची किची सी हो जाती है। इससे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने तो बस इसको एक मर्तबा यूज़ किया है। इससे पहले मैं डॉक्टर रशील के प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी क्लेंज़र और फेस वॉश में, तो अब मेरे पास ये बायो एक्वा का है, तो इसको कंप्लीट मैं यूज़ करूँगी, और उसके बाद जो है ना मैं इसका रिव्यू आप लोगों को दोबारा दूंगी कि मैंने इसको यूज़ किया तो ये कैसे था, ठीक है? लेकिन बायो एक्वा से मैं जो ना सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैंने इसके काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ की हैं। एसेंस क्रीम भी मैंने यूज़ की हैं जो कि अभी भी मेरे यूज़ में है, इसका सीरम भी है, इसका आई क्रीम भी है, और इसके शीट मार्क्स भी मैंने यूज़ किए हैं, बहुत ही अच्छे हैं। इनका रिज़ल्ट जो है ना बहुत ही अच्छा है। ऐसा नहीं है कि हम इसे यूज़ करें, ख़त्म करें, हमें कुछ मिला ही नहीं। इसका रिज़ल्ट जो है ना हमें 100% मिलता है, और साथ साथ ही हमारे स्किन की केयर भी करते हैं, और स्किन में जो प्रॉब्लम्स हैं, एक्नी के सीबम्स वगैरह हैं, या डार्क स्पॉट हैं, डार्क सर्कल्स हैं, ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। आपको फेशियल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मैक्सिमम 20 to 25 अगर फेस पे क्लिनजिंग करें तो इसका रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। इसकी प्राइस की बात करें तो ये इतना कॉस्टली नहीं है, ठीक है? एक्सपेंसिव नहीं है, ये अफोर्डेबल है, इसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ये आपको 550 या 600 के रेंज में आपको ये मिलेगा, ठीक है? और ये आपको किसी अच्छे कॉस्मेटिक शॉप से ही मिलेगा, क्योंकि बायो एक्वा जो है ना बाहर की कंपनी है, तो इम्पोर्ट होता है लाजमी। ये आपको किसी अच्छे शॉप से, यानी किसी अच्छे कॉस्मेटिक शॉप से आप इसे बाय कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो, तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।